कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने को लेकर काला दिवस के रूप में मनाया गया। आपको बता दें कि सिंगरौली जिले के बेठन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार का विरोध करते हुए कमलनाथ मुर्दाबाद के नारे लगाए। कार्यक्रम में साथ ही कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल की जुबान फिसल गई। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा कि कमलनाथ को बर्खास्त कर देना चाहिए, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सिंगरौली जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कोयल द्वारा मीडिया से बात करते हुए बताया गया कि कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल द्वारा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के हित के लिए कार्य किया जाता रहा है। आज उनके कार्यक्रम में कमलनाथ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए एवं कमलनाथ को बर्खास्त करने की बात कही गई। वह कोई बड़ी बात नहीं है। जी ने उस वक्त 70% युवाओं को स्थानीय रोजगार देने के लिए बात कही थी, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। इन सब के विरोध में हम लोग कमलनाथ सरकार को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देकर कलेक्टर महोदय के माध्यम से देना चाह रहे दिए हैं। सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से यह बात सुनी और देखी। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल 100 दिन का पूर्ण हुआ, उस दिवस को कांग्रेस पार्टी ने काला दिवस के रूप में मना करके राज्यपाल के नाम पर हमारी सरकार का, जिसको विरोध प्रदर्शन करना था, यहाँ के कांग्रेस पार्टी शहर के सिंगरौली के जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल जी ने कहा कि कमलनाथ सरकार को बर्खास्त करने की मांग करता हूं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कमलनाथ मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, जो बात दिल में रहती है वह जुबान से निकली है। कल ऐसा ही देखने को मिला। यह भी बताने की आवश्यकता नहीं कि अरविंद सिंह चंदेल जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमेशा सहायक सिद्ध हुए। वह विधानसभा का चुनाव रहा हो या कोई अन्य विषय रहा हो, मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला मुखिया होने के नाते अरविंद सिंह चंदेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिले की जनता, इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता जिस कमलनाथ सरकार के समय में यहां के भ्रष्टाचार से त्राही त्राही मची हुई थी, आज 22 विधायकों ने उस कमलनाथ सरकार के नेतृत्व को नकारा है और कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ने भी स्वयं नकारा है। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।